किश्तवाड़ में भी जो है वो 12th के एग्जाम एनुअल जो है वो विंटर जून के जो है वो शुरू हो चुके हैं और किश्तवाड़ में तकरीबन 14 के करीब सेंटर्स हैं जिनमें 1000 के करीब कैंडिडेट जिसमें लड़के और लड़कियां जो है वो 12वीं के एग्ज़ाम में जो है वो अपीयर हो रहे हैं और आज पहला पेपर है जो 12th का है वो है एजुकेशन का और हालांकि स्ट्रेंथ कम है लेकिन यहां पर जो इस वक्त मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और अंदर जो है वो बच्चे जो है वो काफ़ी तैयार हैं और काफ़ी वो जो है उत्साहित है एग्ज़ाम को लेकर और बोल रहे हैं कि उनकी तैयारी अच्छी है और वो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे नंबरों से पास होंगे। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो कदम उठाए हैं ताकि जो मास कॉपिंग है उसको जो है वो रोका जाए और इस सिलसिले में जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहाँ पर जो है वो CCTVs ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करेंगे यहाँ पर CCTV जो है वो इंस्टॉल्ड है और जो भी एक्टिविटी होगी वो सारा जो है वो रिकॉर्डेड होगा। हम इस वीडियो के ज़रिए जो है वो बच्चों को जो है वो मुबारकबादी देते हैं और उनको जो है वो एडवांस में जो है वो उनके एग्ज़ाम के लिए जो है वो बेस्ट ऑफ विशेज जो है वो मैं कहना चाहता हूँ सब स्टूडेंट्स के लिए। असली पेपर जो है वो 9 तारीख को होगा जब इंग्लिश का पेपर होगा क्योंकि उस वक्त जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और इंग्लिश के जो जो पेपर है वो सब स्ट्रीम्स का जो है वो एक कॉमन पेपर होता है और आज जो है वो सिर्फ आर्ट्स का पेपर है एजुकेशन का जबकि मेडिकल और नॉन मेडिकल का पेपर जो पहला है वो इंग्लिश का होगा। हमारी इस एग्ज़ाम पर नज़र रहेगी। हम बच्चों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पढ़ाई की तरफ जो है वो ध्यान दें अच्छा ध्यान दें और मैं साथ में ये भी जो हूँ बता दूँ कि जो हमारे ये बच्चे जो है यही वर्नल अपर है ड्रग्स को लेकर और हम चाहते हैं कि जो हमारे 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं इनको जो है वो किसी तरह से और हर एंगल से प्रोटेक्ट किया जाए। मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ जो है वो उनकी इंटरेस्ट को जो है वो जनरेट करने के लिए जो है वो उनके साथ जो है वो मिलते जुलते रहे उनसे बातचीत करते रहे। माँ बाप जो है वो बच्चे से बात करके जो है वो पूछे कि उसको आगे 12th के बाद जो है वो क्या करना है और जो बच्चे की चॉइस होगी उसी के हिसाब से जो है वो उसका जो है वो आगे कोर्स जो है वो चूज कीजिए। अपनी तरफ से जो है वो बच्चों पर फोर्स ना करें कि वो उनकी चॉइस के जो है वो सब्जेक्ट ले। इस एग्जाम पर हमारी आगे भी जो है वो नज़र बनी रहेगी। मैं फिर से बेस्ट ऑफ विशेज दे रहा हूँ 12th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को जो आज जो है वो अपीयर हो रहे हैं और आइंदा आने वाले पेपर में जो है वो अपीयर हो रहे हैं। प्रॉपरली अपना रोल नंबर लिखना और आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी आ गया। सीरीज लिखना अपने टॉप पे आंसर बुक के टॉप पे सीरीज नोट कर लेना। ये दो बातें करके बाकी आप खुद ही करोगे। अगर कहीं दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। आपका एग्जाम है HS 4 Second और एनुअल जा रहा है ये आप अच्छी तरह से पहला पेज भर के आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है और क्वेश्चन पेपर आपके सामने पड़ा है। एक चीज करिए रोल नंबर ध्यान से और सीरीज एट द टॉप ऊपर रोल नंबर लिखना इस पे और क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिख लेना। थैंक यू लेट यू बिगिन नाउ स्टार्ट। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ना और फिर आराम से करना अपना जो भी क्वेश्चन करोगे उसका क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक का क्वेश्चन नंबर आप वही नोट करेंगे। आप सीरियली जैसे भी करोगे तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेगा और सबसे अहम काम आपका है क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर और आंसर बुक पे बड़े ही ध्यान से अपनी क्वेश्चन पेपर की सीरीज कौन सी है और रोल नंबर आपका क्या है ये कम करके आप स्टार्ट करें। थैंक्स शाबाश। CCTV कैमराज इम्पोर्टेंट है कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत